सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, टाइगर, कबीर और पठान को एक ही स्क्रीन पर एक ही साथ देखने का सपना हम सभी लोगों का सच हो चुका है, क्योंकि दोस्तों टाइगर 3 मूवी रिलीज हो चुकी है और उसमें हमें स्पाई यूनिवर्स के जो तीनों कॉप्स होते हैं, कबीर, साथ में पठान और साथ में टाइगर, वो एक ही साथ फाइट करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम बात करें टाइगर 3 मूवी की, तो यहां पर दोस्तों मैं कोई भी स्टोरी का स्पॉयलर नहीं देने वाला हूं। आपको पहले ही पता है कि एक रॉ एजेंट है, जिसमें बहुत ही ज्यादा हमें इमोशनल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो उसका बेटा होता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में फंस जाता है। इसके बाद दोस्तों इंटरवल तक तो कहानी आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट में हमें टाइगर की एंट्री का सीन दिखाया जाएगा और एक पूरा अलग लेवल का फाइट सीक्वेंस दिखाया जाएगा, आप कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला और गूप्स बम्स वाला हमें टाइगर की एंट्री का सीन दिखाया गया है। लेकिन जब आपको दोस्तों इंटरवल के बाद पठान की एंट्री का सीन दिखाया जाएगा, तो आप सबसे पहले तो वो जो टाइगर की एंट्री का सीन था उसको भूल जाएंगे और अब आपको लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं जो पठान का कैमियो है वो टाइगर पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद दोस्तों और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। अब ये कोई स्पॉइलर नहीं है, आप सभी को पहले से ही पता है कि जो ऋतिक रोशन है, जो कबीर है, YRF स्पाई यूनिवर्स के मेजर कबीर, उनका कैमियो हमें टाइगर 3 में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला था और वैसा ही हुआ है। स्टोरी को एंड तक जाते जाते हमें मेजर कबीर यानी कि दोस्तों ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिलेगा और अब आप दोस्तों टाइगर के कैमियो को प्लस पठान के कैमियो को भूल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमें दोस्तों ऋतिक का कैमियो देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा आपका गूप्स बम्स और आपकी एक्साइटमेंट लेवल आपकी पीक पर चली जाएगी, क्योंकि यहां पर दोस्तों टाइगर के कैमियो से बड़ा, पठान के कैमियो से बड़ा हमें दोस्तों यहाँ पर कबीर का कैमियो देखने को मिलता है। और जो कबीर की दोस्तों एक्सप्रेशंस होते हैं, जो कबीर के दोस्तों डायलॉग्स होते हैं, उसे आप गौर से सुनिए, आपको एक अलग ही लेवल का गूप्स बम्स देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों बता दें कि हमें तीनों सुपरस्टार एक ही स्क्रीन पर नजर आते हैं, उस समय हमें पता चलता है कि ये है YRF स्पाई यूनिवर्स की असली मूवी, जो कि टाइगर 3 होने वाली थी। और इसके बाद हमें वॉर 2 और पठान यानी कि दोस्तों हमें टाइगर वर्सेस पठान, पठान 2 और वॉर 2 के भी सिग्नल्स दिए गए हैं। बात करें दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो तीनों से चार बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो पठान, या वो कबीर हो जिसमें हमें ऋतिक रोशन देखने को मिले हैं, या इमरान हाशमी हो जिन्होंने विलन का किरदार निभाया है, या कैटरीना कैफ हो, सभी की परफॉर्मेंस जो है वो 100% दी गई है। किसी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से खिलवाड़ नहीं किया है। यहाँ पर डायरेक्टर की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने इतने अच्छे से स्क्रीन प्ले किया है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है, हमें एकदम डिटेल्स में समझ में आता है। वहीं पर ये बेसिकली जो स्टोरी है वो एकदम एक्शन से भरी होने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है इमोशन। और आपको वो जेल सीक्वेंस के बारे में तो पहले से ही पता है, जहां पर टाइगर हमें फंसते हुए नजर आते हैं और एकदम से पठान की एंट्री होती है झूमे जो पठान सॉन्ग के साथ। अब इससे ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन झूमे जो पठान सॉन्ग के साथ हमें पठान की एंट्री देखने को मिलेगी और जब कबीर की एंट्री होगी, उस समय में हमें जो वॉर मूवी का म्यूजिक होता है यानी जो कबीर का म्यूजिक है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैटरीना कैफ की, तो जोया ने बहुत ही ज्यादा हमें इंप्रेस किया है। उनके जो फाइट सीक्वेंस थे वो दोस्तों सबसे अलग थे। जो पहले टाइगर मूवी आई थी, उसके बाद दोस्तों टाइगर जिंदा है मूवी आई थी, मैं कहता हूं उसमें जोया का कुछ भी रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पर टाइगर 3 मूवी ने जोया में ने हर पल यहाँ पर टाइगर का साथ दिया है। और उसके साथ साथ शाहरुख खान और जब ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, उस समय तो दोस्तों सभी चीजें अलग ही लेवल पर चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं BGM की, तो टाइगर के समय टाइगर का BGM, पठान के समय पठान का BGM, ऋतिक रोशन कबीर के समय कबीर का हमें BGM देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट की बात होती है। अगर हम बात करें कैटरीना कैफ के उस सीन की, वो टावल वाले सीक्वेंस की, तो उसे एकदम बारीकी से और एकदम यूनिक तरीके से शूट किया गया है, क्योंकि आज से पहले कुछ भी बॉलीवुड में, मैं कहता हूँ हॉलीवुड में, ऐसा कुछ शूट नहीं किया गया था। लेकिन टाइगर 3 ऐसी पहली मूवी बन चुकी है जिसमें वो टॉवेल वाला सीक्वेंस शूट किया गया है और वहां पर आपकी सीटियां व तालियां जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेगी। इन शॉर्ट अगर एक शब्द में बोला जाए, तो जो टाइगर 3 मूवी है
वो हम सब फैंस के लिए बहुत ही बड़ा दिवाली का तोहफा है और हमें जरूर सलमान खान की टाइगर 3 मूवी देखने के लिए एक बार जाना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों जो फाइट सीक्वेंस में VFX यूज किए गए हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत ही उम्दा लेवल के VFX है। बिल्कुल ऐसा ही नहीं लगता है कि ये VFX है, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सामने ही हमारे कार ब्लास्ट हो रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों टाइगर 3 मूवी नेचुरल गूप्स बम्स वाली मूवी बनाई गई है। अब आप बताइए कि क्या आप भी टाइगर 3 मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं। मैंने तो देख ली है और मैं इस मूवी को 10 में से 9 स्टार देता हूं, क्योंकि 1 स्टार मुझे कहीं कहीं पर जो सलमान खान है वो हल्की सी ओवर एक्टिंग करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन कोई नहीं, यहां पर अगर हमें ऋतिक का कैमियो और अगर SRK का कैमियो नहीं दिखाई देता तो कहीं ना कहीं ये मूवी ठंडी पड़ जाती, लेकिन अब ये एकदम गर्म हो चुकी है। अब आप बताइए कि अगर आपने टाइगर 3 देख ली है तो आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।